नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। बीते दिनों महाराष्ट्र में बारिश के चलते तबाही के बाद अब मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड बिहार में आज भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी आज बारिश हो सकती है। वहीं 26 से 28 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं 27 से 28 जुलाई में पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। वहीं 27 से 28 के बीच में हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग की दी हुई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से वेदर अपडेट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है। कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वहीं आगामी 26 से 28 जुलाई के बीच भी जोरदार बारिश होने की संभावना इस वक्त जताई जा रही है। हरियाणा, हिमाचल, बिहार जैसे राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। टोक्यो ओलंपिक का आज पांचवा दिन है। भारत के लिए दिन की शुरुआत निशानेबाजी से हुई। 10 मीटर राइफल पिस्टल के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की ओर से सौरभ चौधरी, मनु भाकर और अभिषेक वर्मा, यश्विनी देसवाल की जोड़ी उतरी थी। आपको बता दें कि पहले राउंड में टॉप पर रहने वाली मनु सौरभ की जोड़ी दूसरे राउंड में बाहर हो गई है। वहीं अभिषेक और यशस्विनी पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे। अभी इंडिया और स्पेन के बीच हॉकी का मुकाबला खेला जा रहा है। तो आज टोक्यो ओलंपिक का पांचवा दिन है, भारतीयों के लिए एक बेहद ही गौरवशाली दिन। पर आज भारत की शुरुआत काफी अच्छी देखने को नहीं मिली है। आपको बता दें कि शूटिंग में हमारी भारतीय टीम क्वालिफिकेशन राउंड से बाहर हो चुकी है। वहीं बात करें हॉकी की तो इस वक्त हॉकी का मैच चल रहा है स्पेन के साथ। भारतीय खिलाड़ियों का इस वक्त मैच देखने को मिला है। आपको बता दें कि अब तक भारत ने एक सिल्वर मेडल ही हासिल किया है। इसके अलावा बाकी कई खिलाड़ियों को हमारे देश की तरफ से निराशा हाथ लगी है। कानपुर में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय के विरोध में सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यालय के बाहर सपाइयों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपाइयों ने कहा कि अस्पताल को 5 स्टार बीजेपी कार्यालय बना दिया गया है। वहीं अगर सपा सरकार बनेगी तो बीजेपी कार्यालय को ध्वस्त कर उस पर अस्पताल बनाया जाएगा। तो आज कानपुर से ये बड़ी खबर आई जहां पर सपाइयों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय बनने के बाद सपाइयों का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सपाइयों का आरोप है कि अस्पताल को 5 स्टार होटल बनाकर बीजेपी का कार्यालय बना दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। वहीं सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हुए जनता से अपील की है कि अगर वो आने वाले चुनाव में जीतते हैं तो बीजेपी कार्यालय को ध्वस्त कर उसकी जगह पर वह अस्पताल बनाएंगे। सुल्तानपुर में दबंगों ने पूर्व प्रधान पर हमला बोल दिया, जिसके बाद इलाज के लिए पूर्व प्रधान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना से नाराज ग्रामीणों ने अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर जाम लगाया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घंटों मशक्कत के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सुल्तानपुर से ये बड़ी खबर सामने आई जहां पर दबंगों की दबंगई का मामला देखने को मिला है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधान पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। वहीं घटना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको सुल्तानपुर से बता रहे हैं, जहां दबंगों ने एक पूर्व प्रधान पर हमला बोल दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में पूर्व प्रधान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरी घटना से नाराज हुए ग्रामीणों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त सुल्तानपुर में ठप हो चुकी है। वहीं पुलिस के द्वारा
आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको आज ये रात्रि में राममूर्ति यादव हैं, ये पूर्व प्रधान हैं, ये एक जगह से दावत खा के लौट रहे थे, तो रास्ते में इनको जो ये सिक्स लेन का जो हाईवे का अंडर पास है वहाँ पे कुछ लोग थे, जिसमें इनको एक आदमी को ही पहचानते हैं जो कि कदीर सना बशीर है, वो और उसके गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा होकर लाठी डंडे से इन पर वार किए, इससे इन्हें चोट आई है। इस संबंध में इनके द्वारा तहरीर प्राप्त की जा रही है और तहरीर प्राप्त करने के बाद एफआईआर लिखी और मैनपुरी में मिशन अमर शहीद अमर जवान टीम की जिला इकाई द्वारा कारगिल विजय दिवस पर सभी ग्रामवासियों ने कारगिल के में शहीद मुनीश यादव समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यह जानकारी देते हुए मिशन के संस्थापक धर्मेंद्र अजानी ने बताया कि देश की सेवा के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की थी। आपको बता दें कि बीते दिन कारगिल विजय दिवस मनाया गया, पूरे देश ने शहीद हुए जवानों को याद किया, इसी कड़ी में मैनपुरी में भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपको बता दें कि वीर शहीद को वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां पर मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं मिशन के जो संस्थापक थे, जिन्होंने पूरा कार्यक्रम आयोजित कराया था, धर्मेंद्र अजारी जी ने जनता की सेवा के लिए जिस प्रकार से शहीदों ने अपनी बलि दी उनको याद किया और जनता से अपील की कि वह भी शहीदों का स्मरण करें। उन्नाव जनपद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और उप जिलाधिकारी राकेश कुमार के कुशल निर्देशन में प्रशासन की मौजूदगी में नहर विभाग खाली कराया गया। आपको बता दें कि सभी अवैध बने मकानों को जेसीबी के द्वारा गिराकर नहर को खाली कराने का काम किया गया, जिसमें उन्नाव जनपद के कई थानों के फोर्स मौजूद रही, जिसकी निगरानी में सरकारी नहर को खाली करवाया गया। तो नाव से ये पूरा मामला सामने आया, जहां प्रशासन की कार्यवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि प्रशासन ने अवैध मकानों पर बुलडोजर चला दिया है, जहां पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और उप जिलाधिकारी राकेश कुमार के निर्देशन पे ये पूरी कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि नहर विभाग ने इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जहां अवैध बने मकानों को जेसीबी के द्वारा गिराकर नहर को खाली कराने का काम किया गया। आपको बता दें कि जिस वक्त ये पूरा मामला सामने आया वहां पर कई थानों की फोर्स मौजूद रही, जिसके कारण कोई भी अराजक तत्व इस पूरी कार्यवाही में खलल नहीं डाल पाया। सुल्तानपुर में आजाद समाज पार्टी ने जोरदार हंगामा किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न कर रही है, लिहाजा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उन्होंने कार्यवाही की मांग की है। इतना ही नहीं, जिलाध्यक्ष विजय राणा ने जिला प्रशासन को 15 दिनों का समय दिया है, अगर इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। फिलहाल ज्ञापन लेने के बाद जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने आजाद समाज पार्टी के मामले में अधिकारियों को जायज कार्य के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, 2-3 इश्यूज थे। एक इशू था किसी जमीन पे सीआरओ कोर्ट से स्टे हो रखा, परंतु उस पे जो विपक्षी वो स्टे को मान नहीं रहा। म्यूजियम सदर साहब को कहा गया कि सदर तहसील का मैटर न्यायालय आदेश का सम्मान होना चाहिए, और यदि कोई गुंडाई कर रहा है तो उसके विरुद्ध फिर गुंडे जैसा बर्ताव करते हुए कार्रवाई विधि रूप से करने, ताकि न्यायालय के आदेश का सम्मान हो। उसके अलावा एक प्रकरण में ये बताया गया कि किसी कार्यकर्ता के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई प्रेषित की गई है, जबकि उसमें दो पक्ष लड़े थे, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसमें हमने यही कहा कि जो पक्ष का पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है वो हमारे यहाँ एप्लीकेशन में, गुंडा एक्ट में भी प्रावधान है कि प्राइवेट एप्लीकेशन पर भी जाँच कराई कार्रवाई की जा सके, उसको यहाँ से चेक करा करके उसमें यदि सत्य पाया जाएगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की। कानपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां आज आजाद समाज पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न कर रही है, जिसके बाद उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन दिया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन की, जहां पर सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। इतना ही नहीं, जिलाध्यक्ष विजय राणा ने जिला प्रशासन को 15 दिनों का समय भी दिया है। उन्होंने समय देते हुए कहा है कि अगर कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं बंद होता है तो वह बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे।
फिलहाल ज्ञापन लेने के बाद जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने आजाद समाज पार्टी के मामले में अधिकारियों को जायज कार्यों के निर्देश भी जारी किए हैं। कानपुर में काशीराम ट्रॉमा सेंटर में एम्बुलेंस कर्मचारियों का 3 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कोरोना काल में दिए हुए कोरोना योद्धा सम्मान के सर्टिफिकेट को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर काम किया, जिसमें उनको पूरी तरह से इसका लाभ नहीं मिला और कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार से भी इसकी गुहार लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक उनकी बात नहीं सुनती तो यह कोरोना योद्धा सम्मान रखने का क्या फायदा। उन्होंने पूर्व की तरह शासन और प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया था, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई स्वास्थ्य विभाग का आला अधिकारी, कोई शासन प्रशासन का अधिकारी या कोई भी नेता हमारे पास अभी तक नहीं आया है। आज जैसा कि हमारा 3रा दिन है, जो हम लोगों को कोरोना के दौरान सम्मान पत्र मिला था, उस सम्मान पत्र को आज हम लोग आपके हवाले करके वापस करने का काम करेंगे, क्योंकि इन कागज टुकड़ों से हमारा कोई सम्मान नहीं बढ़ता अगर हमारी नौकरी हमारे। कानपुर से पूरा मामला सामने आया जहां पर एम्बुलेंस कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों से एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जहां पर वो विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। इसी कड़ी में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपने कोरोना योद्धा सम्मान सर्टिफिकेट को भी जलाकर सरकार का विरोध किया है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से सरकार उनके साथ बर्ताव कर रही है, जहां एक तरफ उन्हें कोरोना योद्धा सम्मान सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, उन्हें कोरोना योद्धा कहा गया, वहीं दूसरी तरफ उनकी मांगों को लेकर सरकार उन्हें साफ तौर पर नजरअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से वह यह कदम उठा रही है और इसीलिए उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स को जला दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो ऐसे कोरोना सर्टिफिकेट या कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट रखने का क्या फायदा। मैनपुरी में एम्बुलेंस चालक अपनी मांगों को लेकर जिला अस्पताल के प्रांगण में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार में सरकारी नौकरियों को कंपनियों के द्वारा टेंडर उठाने पर निजीकरण किया जा रहा है, जो अपने मनमाने तरीके से पहले से कार्यरत कर्मचारियों से काम कराना चाह रही है, जिसके लिए निजी कंपनियों में जॉब के नाम पर चाहे वह अपने नए कर्मचारी हो या पहले से कार्यरत, उनसे धन वसूली की जा रही है। तो मैनपुरी में भी इस वक्त एम्बुलेंस चालकों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। टेंडर प्रथा को खत्म करने के लिए लगातार 3 दिनों से यूपी में एम्बुलेंस चालक धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी साफ तौर पर मांग है कि एम्बुलेंस को का निजीकरण करना सरासर गलत है। अगर निजी कंपनियां निजीकरण करती हैं तो ऐसे में उनकी नौकरियां खतरे में आ जाएंगी, वहीं अगर कंपनियों को टेंडर दे दिया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों से धन की भी वसूली की जाएगी। कुशीनगर में एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल की। एम्बुलेंस कर्मियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस कर्मियों ने जिला मुख्यालय स्थित बुद्धा पार्क में हड़ताल की। उनका कहना है कि कोरोना काल में पीएम मोदी ने हमें देवदूत कहा और आज हम लोग बेरोजगारी की कगार पर हैं। वहीं उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो कुशीनगर से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी हमने आपको कानपुर और मैनपुरी से भी तस्वीरें दिखाई थी जहां पर एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कुशीनगर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस कर्मियों ने कतार में एम्बुलेंस को खड़ा करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को जब तक पूरा ना होने की बात कही है तब तक वह इसी प्रकार से अपना धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। वहीं 6 सूत्रीय मांगों को लेकर इस वक्त कर्मियों की हड़ताल भी देखने को मिल रही है। लगातार वह सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एम्बुलेंस निजीकरण को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। वहीं लखनऊ में भी एम्बुलेंस कर्मियों ने एम्बुलेंस का चक्का जाम किया। सैकड़ों एम्बुलेंस इको गार्डन में खड़ी करके चालकों ने धरना प्रदर्शन किया। 25 जुलाई से एम्बुलेंस कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं इस वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 5 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना दिया जा रहा है।
लगातार एम्बुलेंस कर्मी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। अपनी एम्बुलेंस को कतार में खड़ा करके वो विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एम्बुलेंस निजीकरण को तुरंत खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में उनकी नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। अगर निजी कंपनियों के हाथ में एम्बुलेंस सेवा होगी तब वह कर्मचारियों के साथ वसूली करेंगे, जो कि सरासर गलत है। वाराणसी में कांस्टेबल ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। बता दें कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के बेल नोटिस का जवाब समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने के प्रकरण में स्पष्ट रूप जातिगत दुर्भावना करके दोषियों को संरक्षण देकर ईमानदार पुलिसकर्मी को दोषी बना दिया गया, जिसके क्रम में उसे विभागीय तो वाराणसी से इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस कांस्टेबल ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। पुलिस कांस्टेबल का साफ तौर पर कहना है कि उसके साथ में गलत किया गया है। जिस प्रकार से आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही के बजाय पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ कार्यवाही की गई है, उसको लेकर वह बेहद परेशान है। उसका कहना है कि विभाग में उसे काफी निंदा का सामना करना पड़ा, इसी वजह से अब वह इच्छा मृत्यु चाहता है। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र के जलेसरगंज धारूपुर में आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। पीड़ितों का आरोप है कि वह नरेगा में मजदूरी करके घर वापस लौट रहे थे। गांव के ही व्यक्ति द्वारा जब वह मजदूरी करके वापस घर आ रहा था तो उसके साथ अभद्रता की गई। जब उसने इस बात की आपत्ति जताई तो बदमाश ने उस व्यक्ति पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित व्यक्ति ने मामले की तहरीर लालगंज थाने में दर्ज कराई है, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। थाने हम इसलिए आए सर कि हम प्रधानी के तहत काम करा रहे थे, हम मेट हैं और वहां काम करा रहे थे, और वो हमको बार बार मना करता है कि मत करिए काम, मत करिए। इसी की वजह से वो हमको कई बार धमकी दिया और इस बार वो मारा भी बहुत। कौन है मारने वाला और किस चीज से मारा? मारने वाला संत लाल है सरोज, और वो लाठी से मारे। अभी आप थाने आए हैं, अपनी एप्लीकेशन दिए तो क्या आश्वासन मिला थाने से? नहीं, एप्लीकेशन दिया तो सर उसका कुछ भी नहीं मिला। हाँ, रात को आकर हम दिए लेकिन उसका कुछ भी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।